दीवाना, अबे दीवाना। चल ट्यूटोरियल बनाते हैं नो ग्रेविटी पुलअप का। हाय गाइस वेलकम बैक। तो आज हम एक और ट्यूटोरियल लेके हैं जिसके लोगों के बहुत सारे कमेंट आए कि भाई इस रील का तो ट्यूटोरियल पक्का चाहिए। आपने एक रील देखी होगी मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे। कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ये बेसिकली मूव ट्रेंड में चल रहा है और ये मूव कुछ नहीं, एक डेढ़ साल पहले ही आपको सिखा चुके हैं। क्या आपने हेड बैंगर पुलअप नहीं सीखी है? क्या आपको एल सिट नहीं आता? तो भाई इस वीडियो में दोनों को कंबाइन ही तो कर देना है सिंपल। तो चलो इस वीडियो में यही सीखेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो ये मूव जितना कूल दिखता है उस कूलनेस के साथ साथ एडिशनल बेनिफिट है आपकी टारगेट मसल्स। टारगेट मसल क्या क्या है? सबसे पहले तो आपके कोर पे वर्क करने वाली है, आपकी शोल्डर स्ट्रेंथ पे, आपकी ट्रैप्स पे, आपके लैट्स पे, आपके मतलब बेसिकली जहां जहां की स्ट्रेंथ आपको दिख रही है ना इस वीडियो से, वहां वहां की सारी स्ट्रेंथ लगेगी। अगर मैं इसको एक नॉर्मल पुलअप से कंपेयर करूं तो भाई बैक के लिए नॉर्मल पुलअप ज्यादा बेनिफिशियल होगी, ये कम। ये सिर्फ हवाबाजी के लिए, तो आप कर सकते हो सीख के और अपना थोड़ा यू नो शो ऑफ ऑफ सा कर लो, क्या दिक्कत है। कैलिस्थेनिक्स तो देखो सबसे पहले आपको आना चाहिए एक हेड बैंगर पुलअप बहुत ही अच्छी फॉर्म के साथ कुछ इस तरीके से। अगर आपको ये पुलअप नहीं आती इस वीडियो को यहीं पॉज करो, पहले इस वीडियो पे जाओ सीखो एंड देन वापस आओ और आगे बढ़ो। ठीक है, आपने आधा मूव अनलॉक कर भी लिया है, बाकी आधा क्या है? बाकी आधा सिंपल एल सिट है। एल सिट का ट्यूटोरियल अगर आपने नहीं देखा तो भाई फिर से इस वीडियो को पॉज करो, ये रहा एल सिट का ट्यूटोरियल, जाओ सीखो वापस आओ। अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना, कोई नए स्टेप नहीं लगेंगे, कोई मैं कोई वो नहीं बोलूंगा कि भाई ऐसे करोगे तो ऐसे, कुछ नहीं। आपको सीधा अटेम्प्ट कर देना है और बस इसमें ये ध्यान रखना होगा कि आपके जो पैर हैं वो स्टेबल रहे एल सिट में। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है इन द बिगिनिंग, बट धीरे धीरे जैसे ही आप 10-20 बार इसको अटेम्प्ट करोगे बहुत इजीली ये हो जाएगा। तो यहाँ आप अपना अटेम्प्ट खुद से दे सकते हो। तो अब इस मूव को अगर दिक्कत आएगी किसी को करने में तो वो उन लोगों को आने वाली है जिनकी कोर में दम नहीं है या फिर जिनकी पूरी बॉडी की कोई ना कोई मसल इतनी वीक है कि वो सपोर्ट नहीं कर पा रही है कूल मूव को। तो भाई इसलिए हम कहते हैं कि हमेशा बैलेंस वर्कआउट फॉलो करो, हमेशा एक बैलेंस डाइट लो, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जब तक नहीं होंगी, दो चार मूव तो सीख लोगे लेकिन लॉन्ग रन में सारे मूव नहीं सीख पाओगे। तो आज ही स्टार्ट करो ट्रेन विद अस डाइट। ये दोनों वीडियोस लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय।